हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स में इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीएससी पार्ट सेकंड की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फोर्थ यूनिट में है। पीछे की क्लास में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका जनरल इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और एसिडिटी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज हम इनकी रासायनिक जो गुण है उनके बारे में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक है। तो इसमें चार टाइप की रिएक्शंस हैं। सबसे पहले है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है ना, जो एसिडिक बिहेव शो करती है OH बॉन्ड जो है उसकी क्लीवेज की अभिक्रियाएं। और सेकंड जो इसकी रिएक्शंस हैं वो है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, ठीक है ना, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो वो अभिक्रियाएं इसका क्लीवेज है, वो उसकी कौन कौन सी रिएक्शंस हैं। थर्ड इसमें है रिएक्शन इन्वॉल्विंग COH बॉन्ड, इसको COH बॉन्ड इन्वॉल्विंग अभिक्रियाएं। और फोर्थ है इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चार टाइप की अभिक्रियाएं हैं, रिएक्शंस हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, वो अभिक्रियाएं जिनमें क्या हो OH बॉन्ड का क्लीवेज हो। तो इसमें कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं, तो इसमें सबसे पहले है एक्शन ऑफ एक्टिव मेटल्स, ठीक है ना, धातु के साथ या मेटल के साथ अभिक्रियाएं। तो इसमें जो अभिक्रियाएं हैं वो देखेंगे। फिर नेक्स्ट इसमें है एक्शन ऑफ एल्कली ऑन एसिटिक एसिड, तो जो एल्कली है क्षार के साथ अभिक्रियाएं उसकी एसिड की। फिर थर्ड इसमें है एक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन एसिडिक एसिड, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ एसिड की अभिक्रिया। तो इसमें फर्स्ट है एक्शन ऑफ एक्टिव मेटल्स, ठीक है, तो धातु के साथ जब हम एसिड की अभिक्रिया मेटल के साथ कराते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जब हम किसी भी एसिड की अभिक्रिया, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया धातु के साथ कराते हैं, एक्टिव मेटल्स जैसे सोडियम पोटेशियम इनके साथ कराते हैं, तो क्या बनता है, इनका रेस्पेक्टिव साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो इसमें है रिएक्शन विथ मेटल, कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स लाइक पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम टू फॉर्म दियर रेस्पेक्टिव साल्ट्स एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, तो उसका संगत लवण बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये हमारा कोई भी एसिड है, इसकी अभिक्रिया जब हम सोडियम के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, एसिड का साल्ट बनता है RCOONA, ये क्या है, सोडियम एसिटेट, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। तो ये है एक्शन ऑफ एक्टिव मेटल्स ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फिर नेक्स्ट है एक्शन ऑफ एल्कलाई ऑन एसिटिक एसिड, जो क्षार के साथ अगर हम अभिक्रिया कराएं तो क्या होता है, ठीक है ना, तो वही है जब एसिड की अभिक्रिया हम NaOH के साथ कराते हैं तो उसका संगत लवण बनता है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विथ एल्कलीज लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म साल्ट्स एंड वाटर एंड शो सिंपल एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो इनके साथ जो अभिक्रिया है वो क्या है, अम्ल क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो अम्ल की अभिक्रिया जब हम क्षार के साथ एल्कलाई के साथ कराते हैं तो संगत लवण बनता है और जल है, इसे ही हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है ना, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल का फॉर्मेशन। तो ये है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एसिड है RCOOH, ठीक है, एसिटिक एसिड, इसकी अभिक्रिया जब हम बेस के साथ NaOH के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा, हमारा इसका संगत लवण RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये तो साल्ट हो गया इसका एसिड का और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बनता है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है एक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन एसिटिक एसिड, ठीक है, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब हम सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है,
तो ये भी क्या है, जब हम एसिड के साथ सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया कराते हैं तो वो ही है, इनका संगत लवण बनता है, साथ में CO2 गैस रिलीज होती है, वाटर मॉलिक्यूल भी बनता है, तो CO2 गैस इसमें रिलीज होगी। इसके साथ सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो ये हमारा कोई भी एसिड है, R C डबल बॉन्ड O OH, इसकी अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। तो हमें इसके दो मॉलिक्यूल लेते हैं, तो हमें इसके दो मॉलिक्यूल के संगत लवण प्राप्त होते हैं, R C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ठीक है। तो ये तो एसिड का क्या हो गया, साल्ट हो गया, साथ में वाटर मॉलिक्यूल बनता है और CO2 गैस रिलीज होती है, ठीक है। इसी टाइप से हम इसकी अभिक्रिया जब सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है NaHCO3, इसके साथ कराते हैं तो वही हमें क्या मिलेगा, संगत लवण मिलता है R C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल और CO2 गैस रिलीज होती है। तो इस टाइप से हमने देखा कि जो एसिड की अभिक्रियाएं हैं उनमें मेटल के साथ करवाने पे, एल्केलाई या बेस के साथ, सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ कराने पे हमें क्या प्राप्त होता है, तो ये अभिक्रियाएं इसकी एसिडिक नेचर को शो करती हैं। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, और इसमें हमने देखा कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चार टाइप की रिएक्शंस आती हैं। मेनली इसको हम डिवाइड करें तो एक तो वो अभिक्रियाएं जिसमें OH बॉन्ड का क्लीवेज हो, सेकंड इसमें हमने देखा कि जो वो रिएक्शन जिसमें COH बॉन्ड में का क्लीवेज हो, ठीक है, और थर्ड में जिसमें COH बॉन्ड की इन्वॉल्विंग जो रिएक्शंस हैं वो, और फोर्थ है इसमें सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। और आज के लेक्चर में हमने फर्स्ट टाइप की जो रिएक्शंस हैं जिसमें OH बॉन्ड का क्लीवेज हो उसके बारे में पढ़ा। तो सबसे पहले इसमें हमने देखा रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है, और इसमें हमने देखा कि जब हम एसिड की अभिक्रिया एक्टिव मेटल के साथ कराते हैं तो क्या होता है। सेकेंड हमने देखा जब हम एसिड की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, एल्केलाई के साथ कराते हैं या बेस के साथ कराते हैं NaOH के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होता है। और थर्ड हमने देखा एक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 और NaHCO3 ऑन एसिडिक एसिड, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है एक्शन ऑफ एक्टिव मेटल, ठीक है ना, एसिड के साथ जब हम एक्टिव मेटल्स की अभिक्रिया कराते हैं। तो इसमें है कि जब भी हम कोई भी एसिड की अभिक्रिया, COH की अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसकी अभिक्रिया एक्टिव मेटल जैसे सोडियम पोटेशियम के साथ कराते हैं तो इनका संगत लवण बनता है, साल्ट बनता है, ठीक है, रेस्पेक्टिव साल्ट, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये है एक्शन ऑफ एक्टिव मेटल्स। सेकेंड हमने इसमें देखा एक्शन ऑफ एल्केलाई ऑन एसिडिक एसिड, ठीक है, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ किसकी अभिक्रिया कराते हैं, एल्केलाई की कराते हैं NaOH इनकी, तो हमें क्या प्राप्त होता है, इनके साथ अभिक्रिया कराने से हमें क्या मिलता है, जो एसिड है उसका रेस्पेक्टिव साल्ट संगत लवण प्राप्त होता है और इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती बल्कि क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है ना, H2O का फॉर्मेशन होता है। थर्ड हमने इसमें देखा ये जो है, सॉरी सेकेंड, एल्केलाई के साथ अभिक्रिया, ये क्या है, एसिड की क्षार के साथ अभिक्रिया कराने पे लवण और जल, साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया, अम्ल क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है ना। ये सेकेंड जो रिएक्शन है हमारी एसिड के साथ एल्केलाई की अभिक्रिया या बेस की अभिक्रिया, तो अम्ल क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल का फॉर्मेशन कराते हैं। तो सिंपली हम इसको क्या कहते हैं, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। थर्ड हमने इसमें देखा एक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन एसिडिक एसिड, जो हम एसिड के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का संगत लवण प्राप्त होता है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल और CO2 गैस रिलीज होती है। और इसी प्रकार से हम
जब हम एसिड के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो भी हमें क्या मिलता है, संगत लवण मिलता है NaHCO3 की अभिक्रिया के साथ भी, और साथ में H2O और CO2 गैस रिलीज होती है। तो इस टाइप से हमने इनकी जो फर्स्ट टाइप की रिएक्शन है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड को पढ़ा। ठीक है, थैंक यू।